हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यह चैनल आपको समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देते रहता है। छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी भर्ती होती हैं, जितने भी रिजल्ट आते हैं, जितने भी आंसर की आती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु पर बात होती है, सबकी अपडेट आप तक पहुंचती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इससे पहले देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आप राज्य में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाकर जरूर दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट बनी है सारी की सारी, यदि आप उनको जाकर देखते हैं तो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। एक प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर नाम से, तो उसको जाकर जरूर देखें। 2023 के जितने भी पेपर हैं नए पैटर्न पर आधारित, उसको मैंने हल करा रखा है, इसलिए उसको जाकर जरूर देखें। उससे आपकी तैयारी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये राजकीय प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की। इसमें देखिए कहा किसकी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसरों की है। इसमें कहा गया है आयता द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विषय हेतु विज्ञप्ति संख्या इतना इतना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा API मेरिट के आधार पर श्रेणीवार उप श्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची जारी की गई थी। मतलब इसमें जब कि वनस्पति विज्ञान की क्या की गई थी, कट ऑफ सूची जारी की गई थी आपकी API स्कोर के आधार पर, उसके बारे में ये अपडेट है। इसमें कहा गया है संशोधित कट ऑफ सूची में API स्कोर के आधार पर अनुसूचित जाति श्रेणी की संशोधित कट ऑफ 52 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी की संशोधित कट ऑफ 70 अंक निर्धारित है। कितने अंक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पर 52 है अनुसूचित जाति की और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की है 70। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कतिपय अभ्यर्थी उक्त निर्धारित संशोधित कट ऑफ में त्रुटिवंश छूट जाने के कारण संशोधित कट ऑफ में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। माननीय आयोग के द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर संशोधित कट ऑफ में औपबंधिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन्हें अब क्या गया है, इन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, क्योंकि अब संशोधित मेरिट लिस्ट बनाई है तो कुछ अभ्यर्थी अंदर आ गए हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। आगे देखते हैं, उक्त शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची विज्ञप्ति शुद्धि पत्र के माध्यम से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावे हेतु आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन दिनांक 8 जुलाई 2024 सोमवार शाम 6 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यानी कि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। आपने जो भी आवेदन में दावे किए हैं उनको साक्ष्य सहित आपको उपलब्ध होना है, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जितने भी आपने योग्यता के अनुसार सर्टिफिकेट लगाए हैं सब आवेदन करते समय, उनको सबके साक्ष्य सहित आपको प्रस्तुत होना है। ये आपको 15 दिन का समय दिया गया है, दिनांक 8 जुलाई 2024 तक, यानी कि सोमवार तक का समय है आपके पास 6 बजे तक। तत्पश्चात अभ्यर्थियों के प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। यानी कि आयोग ने यहाँ साफ कह रखा है कि आपको 15 दिन दिए गए हैं, इसके बाद में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको 15 दिन मिले हैं, 15 दिन बहुत होते हैं। इसी में आप जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं उनको पूरा कर लीजिए फटाफट, और आपको 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको सारा प्रत्यावेदन लगाकर अपने डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करा लेना है। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है आपको पृथक से कोई भी डाक के द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी, जो भी सूचना है ये आपको साइट पर ही दी जाएगी। ये आप अगर और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दे रखी है psc.uk.gov.in, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।